हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम के ज़माने की इंस्टेंट दाल। जिन्हें खाना बनाना नहीं आता या फिर जिन्होंने कभी खाना बनाया नहीं है, वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा झटपट और बिना झंझट से बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए हमें ना ही कोई चॉपिंग करनी है और ना ही कोई मसाला भूनना है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे दाल। यहाँ पे हमने ले ली है चना दाल 1 कप और उसे ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 कप तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे बाउल में। तीसरी दाल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है मसूर की दाल। यहाँ पर हमने ली है 1/4 कप मसूर की दाल, उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तीसरे बाउल में। इन सभी दालों को हम यहाँ पे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे हमने सभी दालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर, 1 ऑनियन और 3 हरी मिर्च। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे हम कोई भी चॉपिंग नहीं करने वाले हैं, हम बस इन्हें रफली कट करेंगे। हमें यहाँ पे ऑनियन की पूरी स्किन निकाल देना है अच्छे से और उसे वॉश कर लेना है एक बार। ऑनियन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर पे 2 साइड से ऑनियन को कट करेंगे। सेंटर का जो पार्ट है ऑनियन का, उसे हम निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है ऑनियन का। बस इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे सेंटर पे 2 कट लगाएंगे। ऑनियन के बाद बारी है टोमेटो की। टोमेटो को हम यहाँ पे सेंटर से पूरा कट कर लेंगे। यहाँ पे हम टोमेटो को 2 पार्ट में कट करेंगे और इसकी जो बीज की डंठल है उसे हम हटा देंगे। हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है। आपको अगर तीखा कम पसंद है तो आप 1 हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च को बीच में से 1 कट लगाएंगे। हरी मिर्च को हम यहाँ से बीच में से इसलिए कट कर रहे हैं ताकि जो उसका फ्लेवर है वो दाल में पूरी तरीके से अच्छे से आए। यहाँ पे हमारे सभी इंग्रेडिएंट रेडी है। अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ पे ले लिया है प्रेशर कुकर और 1 बाय 1 करके सभी दालें हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चना दाल। चना दाल के बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मसूर दाल। अब बारी है तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल की, उसे भी हम यहाँ पर पूरा ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टमाटर, ऑनियन और हरी मिर्च को भी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बस ऐसे ही ऐड कर देंगे और दाल के साथ ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो दाल की रेसिपी है बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होने वाली है। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 4 से 5 लहसुन, इसे हमें चॉप किए बिना ही यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 कप पानी। हमने यहाँ पे ली है पूरी मिला के 1.25 कप दाल, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 कप पानी। पानी अगर आपको कम लगे तो आप दाल कुक होने के बाद भी पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। स्पून की हेल्प से हम यहाँ पे सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीड से कवर करके अब हम यहाँ पे दाल को दे देंगे 5 सीटी। हमने यहाँ पे यूज़ किया है चना दाल का, जिसे गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पे देंगे इन्हें 5 सीटी। 5 सीटी होने के बाद अब हम यहाँ पे कुकर का प्रेशर चेक कर रहे हैं जो निकल चुका है। अब हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ जो दाल है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। जो तुअर और मसूर की दाल होती है वो जल्दी ही कुक हो जाती है, पर चना दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे 5 सीटी दी थी।
चलिए चेक कर लेते हैं कि चना दाल जो है वो अच्छे से कुक हुई है या नहीं। हम यहाँ पे प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं, जो चना दाल है वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टमाटर के ऊपर का छिलका निकाल देंगे। जो टमाटर के ऊपर का छिलका होता है वो कभी भी गलता नहीं है टमाटर के साथ में, और वो टमाटर को जोड़ के रखता है। इसलिए हम यहाँ से टमाटर का छिलका हटा देंगे, ताकि जब हम दाल को घोटें तो जो दाल है वो अच्छे से घोटी जाए। हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ऐड की थी, यानी कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, वो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। स्पून की हेल्प से ही हम इसे हल्का हल्का सा घोट देंगे। हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को सिर्फ स्पून की हेल्प से ही मिक्स कर लिया है। जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी, इसलिए हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है इसे मिक्स करने के लिए। नीचे जो दाल है वो अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसके लिए रेडी कर लेते हैं एक बढ़िया सा तड़का। यहाँ पे हमने ले लिया है पैन और उसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और मसाले। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून राई, यानी कि सरसों। राई जैसे ही क्रैकल करे वैसे ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। राई और ज़ीरा जैसे ही क्रैकल करे उसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। 4-5 लहसुन को हमने चॉप करके इसमें ऐड किया है। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल के तड़के में। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अदरक। अदरक भी हमने यहाँ पे लच्छे बना के ऐड किए हैं तड़के के लिए। जब हम इस दाल को खाएंगे और इस अदरक के लच्छे जो है हमारे मुँह में आएंगे, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। इस तड़के को हम हल्का सा मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो अदरक और लहसुन हमने इसमें ऐड किया है वो चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हींग। हींग का जो फ्लेवर आता है दाल के तड़के में वो बहुत ही बढ़िया आता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन कम होता है, पर जो कलर आता है इसका वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पे मिर्च डाली है वो अच्छे से कुक हो जाए। लीजिए, जो मिर्च हमने यहाँ पे ऐड की थी वो मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दाल का तड़का है वो रेडी है दाल में एंटर होने के लिए। इस तड़के को हम यहाँ पे दाल में पूरा ऐड कर देंगे। तड़का जैसे ही दाल में ऐड हुआ है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी आ रही है दाल के साथ में। तड़का ऐड करने के बाद हम यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसे कुक करेंगे, ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने यहाँ पे यूज़ किया है चना दाल का। जो चना दाल होती है वो जैसे ही ठंडी होते जाती है वो और ज़्यादा गाढ़ी होते जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा पानी। हमने यहाँ पे 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम डालिए, अगर थोड़ी पतली पसंद है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा। 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद ये जो दाल है वो परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। एंड में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल में। एंड में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दाल है वो रेडी है सर्व करने के लिए। इस इंस्टेंट दाल को आप सर्व करें राइस के साथ में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।